15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की तैयारी बैठक जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेयन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में डीएम ने बताया कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पूरे जिले में हर्षोल्लास एवं परंपरागत ढंग से मनाया जाएगा तथा इस अवसर पर विविध कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। डीएम ने कहा कि उस दिन जनपद में कुल 7,15,000 वृक्षारोपण किया जाएगा। 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर 14 अगस्त को सभी सरकारी विभागों पर लाइट की सजावट होगी। उन्होंने बताया कि प्रातः 6 बजे क्रॉस कंट्री रेस, 6:30 बजे प्रभात फेरी तथा प्रातः 8 बजे सभी सरकारी गैर सरकारी विभागों शिक्षण संस्थाओं पर ध्वजारोहण राष्ट्रगान होगा तथा दोपहर 12 बजे झांकियां निकाली जाएंगी। इसके अलावा महापुरुषों की मूर्तियों पर माल्यार्पण किया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने निर्देश दिए हैं कि महापुरुषों की मूर्ति की सफाई 10 अगस्त तक पूर्ण कर ली जाए। जिलाधिकारी ने DPRO को निर्देश दिए हैं कि ODF गांव के प्रधानों को भी सम्मानित करें। बैठक में सिटी मजिस्ट्रेट विवेक श्रीवास्तव, ADM प्रशासन प्रभुनाथ, मुख्य राजस्व अधिकारी बलराम सिंह, SP क्राइम आलोक शर्मा, BSA BN सिंह, दिव्यांग कल्याण अधिकारी मीनू सिंह, DDO बबन उपाध्याय सहित संबंधित विभागों के अधिकारी तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मौजूद रहे। सर आज 15 अगस्त 2018 DPRO साहब है जो परंपरागत रूप से होता रहा है सर, वो मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। सर 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर यानी 14 अगस्त के रास्ते में सर सभी सरकारी विभागों पर सजावट और लाइटिंग का काम कराया जाता है सर। लगभग सभी 14 अगस्त की रात में सर टीम बनी रहती है सर। एक सेनानी से एक रिप्रेजेंटेशन रहता है सर, लेकिन चूंकि जनता में सिर्फ 4 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है सर। सिविलियन तो लेना पड़ेगा ना। सिविलियन में सर सिविल डिफेंस से नट्टा गुलाटी है सर, तो मैं और नट्टा गुलाटी रह जाएंगे सर। ठीक है सर, और इसके लिए सर शील्ड की व्यवस्था की भाई रोटेशन होगा सर शील्ड। इसके बाद सर ये तो सर 14 अगस्त की रात्रि का हो गया। 15 अगस्त की प्रातः 6:30 बजे सर प्रभात फेरी का आयोजन किया जाता है सर। नगर निगम से प्रारंभ होकर टाउन हॉल, घोष कंपनी, नकाल, बक्सीपुर, MSI इंटर कॉलेज होते हुए राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में समाप्त होती है सर। कितने बजे निकलती है? 6:30 बजे सर। 6:30 बजे सभी। और इसके स्थापक होते हैं सर DIS और DSA साहब। और सर ट्रैफिक का इसमें रोल रहता है सर, ट्रैफिक वाला आप देख लेंगे सर। DSA साहब प्रभात फेरी DOS का रोल नहीं है इसमें? नहीं, दोनों लोग मिलकर कराएंगे। दोनों लोग मिलकर एक बार DIS साहब को फोन कर लीजिए। नहीं, एसोसिएट साहब बैठे हैं शायद। मैं दोनों लोग मिलकर कराएंगे सर। इसको कितने बजे? 6 बजे चालू करते हैं। 6 बजे हम लोग 7 बजे से निकलते हैं। 7 बजे साढ़े 7 बजे आधा घंटा होता है। आपको भी ट्रैफिक डाइवर्जन करना होता है? कितने घंटे डाइवर्जन नहीं है सर, वो बस रेगुलेशन है सर। ट्रैफिक डाइवर्जन करते बार भी नहीं होता, एक तरफ से चलते हैं जी। हाँ, एक तरफ वाला खाली हो जाता है सर, एक तरफ का मूवमेंट रहता है। ठीक है, पिछले बार हमारे वाले हो गए इसमें सर। DSO साहब से थोड़े बहुत जलपान की व्यवस्था रहती है। आनंद जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें बिस्किट पानी इस तरीके की कोई छोटी सी व्यवस्था रहती है, वो आप देख लीजिएगा। एक सर सभी पुरुष की मूर्ति पे किन अधिकारी को माल्यार्पण करना सर, वो एजेंसी साहब की तरफ से जारी होती है सर, वो मैं करवा दूंगा। ऐसे ही सर ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित स्थितियाँ ताबान हैं नहीं सर, उनको अलग से बता भी देंगे जो उनके हम मुख्य मूर्ति हैं। ग्रामीण इलाके की सूची में नहीं है क्या? नहीं सर, शहर में नहीं है, संबंधित तहसीलों में नहीं है सर।
और ब्लॉकों में होंगी। शहर की मूर्तियाँ हैं सर, उसकी लिस्ट जारी होती है सर। इस तरीके से पिछली बार भी एक आदेश जारी हुआ था इस तरीके का, तो ये आदेश जारी हो जाता है। मूर्ति की टक्कर पाई वैसे नहीं तो उसको एक दिन पहले ही करा करके फटाफट करा दो, मूर्ति 10 अगस्त तक ले लीजिए, 10 अगस्त तक पूरा हो जाए। उसको भी एक बार ये चेक करा लेना, अठारह मूर्ति एक बार देख लेंगे आप उसको। थैंक यू। तो जिनके अगस्त तक सही करा दो उसको भी दिखवा दो, सेक्रेटरी से इनसे दिखवा दो किसान। उसके आस पास मूर्तियाँ सामान देख लेंगे, स्मृति वो होता है तो वो उसको सम्मान करते हैं। ठीक है, पुराने ब्लॉक में बता रहे नए ब्लॉक में मूर्तियों के परिसर में अगर कोई पेंटिंग हो या कोई लिखावट हो वो मिल गई हो तो उसे सही करा लेंगे। तो नगर निगम और ग्राहक और डिजाइनों साहब से अगर गाँव में होगा तो उस तरीके से अगर तो वॉल राइटिंग किसी मूर्ति किसी महापुरुष की मूर्ति के द्वार कुछ लिखा हो या उनकी जीवनी के बारे में कुछ लिखा हो। टूरिज्म से आएंगे तो टूरिज्म वाले जो वैसे ऐतिहासिक स्थल कितने हैं जो गोरखपुर में, जो मेरा संज्ञान में है। सर